हेलो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई है। फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाएंगी। आप देखिए, मम्मी परांठे बना रही है। बना लिया है, अब आयन को ब्रेकफास्ट कराने जा रही हूँ। और ये देखिए, परांठे लगाए हैं और साथ में लगाया है मक्खन, ये आप देख सकते हैं। और ये बड़ा टेस्टी टेस्टी परांठा बन गया है। ओके, तो अब ये धूप में बैठ के बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे। अन्वेषा और आयन को मम्मी ब्रेकफास्ट करवाते हैं। अन्वेषा बिंदी लगा रही है। आपको कैसी लगती है बिंदी? अच्छी लगती है, तो लगाओ। आयन, बाइट खत्म हो गई, जल्दी जल्दी खाओ। इन दोनों को घेर घेर के खिलाना पड़ता है। ये देखो, अपने आप तो खाते नहीं, हमसे भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। आयन, आपका तो ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है ना? आपने तो कर दिया है ना। अन्वेषा, आप भी ब्रेकफास्ट कर लो, है ना। फिर खाना कब खाओगे? 3 बजे खाना खाओगे, है ना। ये बच्चे खाने में बड़ा परेशान करते हैं, बहुत मुश्किल से खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं, आयन तो बिस्किट खा रहा है। ये बच्चे रोटी या परांठा वगैरह तो कम ही खाते हैं, बिस्किट वगैरह ये सारी चीजें, ऐसी चीजें ज्यादा खाना चाहते हैं। बिस्किट खाने पहले परांठा खत्म कर दो। देखो, एकदम से बिस्किट देखे तो ये भी भागी। लो। वो भी आयन भैया के पास चली गई है, अपने भाई के पास बिस्किट खाने के लिए। आप भी चले गए? ओके। देखो, इनमें लड़ाई भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, और किसी बात की कमी नहीं है। पर ये बच्चे ऐसा शो करते हैं जैसे हमें कुछ मिलता नहीं है। ये देख सकते हैं आप। आयन बोल रहा है कि वहां से अंदर से ले आओ। वो अंदर जा रही है लेने के लिए किचन में। वो देख कहाँ पर है। ये देखो, उसके पीछे हम भी चलते हैं, उसके पीछे हम भी चलते हैं। वो ढूंढ रही है। ये देखिए, इन्हें सारे ठिकाने पता रहते हैं, कहाँ पर बिस्किट है, रखी है, सब चीज़ों का पता रहता है। अब ले लिया है इसने भी। आयन तो अपना प्लेट में लेके बैठा हुआ है। और मम्मी अपनी दवाई वगैरह ले रही है। अब दवाई का टाइम हो गया है। पहले ब्रेकफास्ट का टाइम, फिर दवाई का टाइम, फिर लंच का टाइम, फिर दवाई का टाइम, फिर डिनर का टाइम, फिर दवाई का टाइम, दवाई खाना, दवाई खाना, यही होता रहता है। अभी इनको ब्रेकफास्ट कराया बच्चों को, पहले इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। आज अन्वेषा की तो नहीं थी, इसलिए आज अन्वेषा की क्लास नहीं हुई, लेकिन इसने भी देर से सैटरडे है ना। हाँ, सैटरडे है तो सैटरडे को ऑनलाइन क्लास होती है। फिर 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करते हैं उसकी। अभी अपना आयन भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, डियर पार्क चले। हाँ चलेंगे, डियर पार्क चलेंगे, पर फिर जल्दी से तुम काम निपटा लो, अपना होमवर्क वगैरह भी जो आपको मिला है ना वो कर लेना। आए नहीं कोई होमवर्क अभी तो? फिर कुछ लेसन वगैरह पढ़ लेना, ठीक है ना? ठीक है, वो मैथ्स का कर लेना। मैथ्स में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रही है आपके साथ, ठीक है ना। और आप भी कुछ आप भी पढ़ोगे कुछ? ए बी सी डी आपका तो बड़ा ईजी है, बस जो भी बच्चा ए बी सी डी पढ़ लो। और आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ाओगे? मैं इन्हें पढ़ाऊंगी। मैंने तो करनी टीचिंग, 38 years टीचिंग करी मैंने गवर्नमेंट जॉब में। ये हंसने लग गया है कि मॉम अपनी वो दिखा रही है, अपनी ताड़ी दिखा रही है। मैं तो गवर्नमेंट जॉब में थी भैया, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब में चपरासी थी बनते, ये इन्होंने मजे से गवर्नमेंट जॉब की भी अच्छी काफी। आप भी गवर्नमेंट जॉब करोगे हैं? आप कौन सी जॉब करोगे? और आप कौन सी जॉब करोगे? मैं स्पाइडरमैन बनूंगा बड़े होके। ओके, और आप क्या बनोगे? आप भी स्पाइडरमैन। आप भी स्पाइडरमैन बनोगे? डॉल बनूंगी, मतलब डॉल। डॉल बनोगे? अरे वाह, और हॉर्स से खेल रहे हो आप तो मजे से, हैं?
डॉल को, अरे डॉल कहाँ गई आपकी, है ना? डॉल बेबी, डॉल बेबी, बहुत बढ़िया, डॉल के साथ खेलो और आप मोबाइल के साथ खेलो, ठीक है भाई? आप देख सकते हैं रीना जी कपड़े धुलते हुए, ये देखिए कपड़े धुल रही हैं। अरे आज मेड ही नहीं आई है, मुझे ही धुलने पड़ रहे हैं कपड़े, बच्चों की जैकेट के सारे कपड़े, कमर भी टूट गए कपड़े धुलने के, ये जैकेट भी कितनी गंदी करके रखते हैं ना, इतनी काली कर रखी है, मशीन में साफ भी नहीं हो रही है, देखो अपने आप ही वॉश करना पड़ रहा है, इसलिए इतनी गंदी हो रही है। मेड भी आज आई नहीं, आज मैंने बोला था बच्चों की जैकेट धुलनी है, जैकेट का तो सीजन रहा नहीं है, मौसम स्वेटर का ही है, तो मैंने बोला था जैकेट रखनी है, सिर्फ तो आ जाना आज, सारे कपड़े धुल के जैकेट भी धुल के रख देंगे अंदर, तो इसलिए आज उसने छुट्टी मार ली, क्योंकि ये लोग ऐसे टाइम पे तो छुट्टी मार लेती हैं, जब इनको काम बोलो ना कि आज स्पेशल कुछ काम है, तो उस टाइम पे तो जरूरी छुट्टी मारती है, भले ही इनको कितना भी दे दो, साड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन नहीं, काम को कुछ मत करवाओ, बस देते रहो। मैं तो इनको इतना देती हूँ, कभी साड़ी, कभी सूट, कभी कुछ, कभी कुछ, लेकिन फिर भी मैं बोल दो कि आज एक्स्ट्रा काम है, उसके तो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं। आज मैंने बोला था जैकेट धोनी है, तो आज वो स्पेशली छुट्टी मार ली उसने, और मुझे ही धोने पड़ रहे हैं कपड़े, और आज झाड़ू पोछा भी सब कुछ डस्टिंग वस्टिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी। अरे बच्चे इतने कपड़े गंदे कर देते हैं, आज पता चला कि जैकेट खुद हाथ से धुलनी पड़ती है, जैकेट खुद धुलनी पड़ रही है हाथ से, इसकी स्कूल की शर्ट भी आएंगी इतनी गंदी हो रही है, इनको ऑनलाइन क्लासेस में कोई यूनिफॉर्म ही पहन के रखना होता है, इतनी गंदी चल रही ना शर्ट, सबको गंदी कैसे हो जाती है आजकल, तो इन्हें स्कूल में जाना होता तो ऑनलाइन में घर पे बैठे बैठे गंदी हो जाते हैं, पहले तो हम लोग बोलते थे भाई ये गंदा करके ही आते हैं शर्ट्स को, और वो कोट वोट को गंदा करके ही आते हैं स्कूल में, घर में भी पहन के तो गंदी हो जाती है ना, आपको ऐसा बोलना चाहिए कि कभी मैं स्केच पेन चला देता हूँ और कभी मैं पेन बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, अच्छा वहां बंद कर, अब झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, कोई हेल्प भी नहीं कर पा रही, मां सब जाती है ना सब, तो अभी आपको कितनी देर तक और करना है, अब फाइनली कपड़े धुल चुके हैं, अब इनको ये भी ड्रायर खराब हुआ है थोड़ा सा, तो मुझे इनको कंघालने की खुद ही पड़ेगी, कमर टूट गई बहुत ज्यादा ही कपड़ों को झुक झुक के कंघालते कंघालते, कमर जुड़वा देंगे तुम्हारी, चिंता मत करो, कपड़े अच्छे धुलने चाहिए बिल्कुल बच्चों के, और हमारे कपड़े बहुत बढ़िया धुलने चाहिए, ठीक है ना, तुम्हारी कमर जुड़वा देंगे, चिंता मत करो, अच्छा तो हमने जुड़वाएंगे तुम्हारी कमर, तुम्हारी कमर तो भी जुड़वाएंगे जब तुम हमारे भी कपड़े धुलोगे, एकदम बढ़िया तरीके से धुलो, क्या बता दो, ठीक है ना, अपने बच्चों के और अपने, अच्छा बच्चा देखो कितना खुश हो गया, बच्चा पीछे खड़ा हुआ सारा देख रहा है कितना खुश हो गया, नाराज ज्यादा रहता है ये, खुश कम रहता है, अनवेशक एक और जैकेट दे दो, तेरा मुझे कभी ढूंढ दे, मैंने दोनों जैकेट दे दी, एक और दे दो, रेड वाली और कौन सी है, पिंक वाली ना, जो न्यू वाली है, अच्छा मैडम मैं लाता हूँ, देखो आज सारा काम इन्हें ही करना पड़ रहा है, इनकी कमर टूट के रहेगी आज तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जुड़वा सको इनकी कमर, ये देखो बच्चे भी हंस रहे हैं, ये देखो देखो बच्चे भी हंस रहे हैं, घर करके तोड़ के रहेंगे इनके पापा, ये देखो ये आज वो हमारी काम वाली नहीं आई है, तो इन्हें कोई पोछा लगाना पड़ रहा है,
आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से ये पोछा लगा रही हैं। ये देखिए आप, अच्छी तरह से पोछा लगाओ तुम्हें इनाम मिलेगा। ये एक तो इतने बाल बाल आते हैं ना पोछे, इतना ज्यादा आजकल हेयर फॉल हो गए, तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम अच्छी तरह से पोछा लगाओ, चमकाओ हमारा घर। इनाम नहीं चाहिए मुझे, आप पोछा लगा लो, आधा पोछा आप लगा। तो पोछा लगा क्यों रहे हो आज आप? तो ये है कि जितना भी हम अपने काम वाली को देते हैं उतना ही कम है। वो साड़ी वगैरह भी बताया था, वो नई साड़ी दी उसे, नया सूट वगैरह दिया, सब कुछ देते हैं, फिर भी वो पैसे वैसे भी देते रहते हैं किसी ना किसी ऑपरेशन पे, फिर भी वो ऐसे ही करती हैं कि बीच बीच में बंक मार जाती हैं। और अभी तो 3 दिन से नहीं आई है, तो आप देख सकते हैं सारा का सारा काम इन्हें रीना जी को ही करना पड़ रहा है। और फिर मम्मी भी लगी रहती हैं देखी किचन में, मम्मी भी कंटिन्यू लगी रहती हैं किचन में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।